आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ऐसे फूले हुए भटूरे बनाने के। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फूल गए हैं और इनके ऊपर रेड की शाइनिंग भी आई हुई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन। चलिए देख लेते हैं भटूरे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने लिया मैदा, दही, फ्रेश दही है, और ये फिर मैंने इनो का पैकेट लिया है। इसका हम हाफ यूज़ करेंगे। कोई भी बेकिंग सोडा मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। सबसे पहले बाउल में हम मैदा डाल देंगे, फिर हमारी फ्रेश दही डाल देंगे। ये बिल्कुल ही फ्रेश दही यूज़ करी है मैंने। फिर हम इसमें इनो डाल देंगे, आधा पैकेट में इनो डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। मिक्स करने के बाद इसको हमें एक डो बनाना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कोशिश करिए कम ही पानी यूज़ करिए, ज़्यादा दही यूज़ कीजिए। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल ही बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे ढक देंगे। तो अब आप किसी गीले कपड़े से ढक सकते हैं या फिर प्रेशर से ढक करके 10 मिनट तक के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद हम आटा ले लेंगे अपना। आटे को हमें अच्छे से गूंथना है। आप जितना अच्छा इसे गूंथेंगे उतना अच्छा ही ये भटूरे अच्छे फूल फूल के बनेंगे। तो अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा लेके इसे हम ऐसे रोल कर लेंगे और फिर किसी भी चाकू की मदद से या फिर आप अपने हाथ से भी इसे छोटे छोटे शेप दे सकते हैं। फिर एक इसका हिस्सा हम ले करके इसकी छोटी सी लोई बना लेंगे और उसको मैदे में डिप कर लेंगे। फिर इसको हम हल्के हाथ से बेलते हुए रोल कर लेंगे गोले से आकार में। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे बेलना है। ये हमारा एक रेडी हो चुका है। अब सेम इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के भटूरे भी रेडी कर लेंगे। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा रिफाइंड फ्लावर लगा सकते हैं इसमें, या फिर मैदा आप थोड़ा सा लगा करके बेल लीजिए। आप देख सकते हैं कितने आराम से हमारे सारे भटूरे बेल रहे हैं। ये देखिए ये हमारे सारे भटूरे रेडी हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए इसे फटाफट से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया हुआ है। तेल में मैं थोड़ा सा आटा डाल दूँगी। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसे चेक कर लेंगे, फिर एक एक भटूरे इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये भटूरा डाल के इसे अच्छी तरीके से अंदर की तरफ प्रेस कसते हुए, और ये देखिए हमारा एक भटूरा रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के भटूरे को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। तेल हमारा गर्म होगा तो ही हमारे भटूरे फूल फूल के बनेंगे। ठंडे तेल में आप मत डालिए भटूरे। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और हमारे सारे भटूरे ऐसे फूल फूल के रेडी हो जाएंगे। फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने के लिए। ये देखिए हमारे सारे भटूरे रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो चलिए इसे फटाफट से हम सर्व कर ले। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में छोले रख दिए। अब इसमें भटूरे रख करके सर्व कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा प्याज भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।